मंजिलें मिल ही जाएंगी चलिए तो सही, मंजिलें मिल ही जाएंगी चलिए तो सही, गुमराह तो वह हैं जो घर से निकले ही नहीं, जो घर से निकले नहीं। प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अमित वर्मा, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, हेड नीट डिवीज़न, और आज मेरे साथ हैं आप सबके चहेते प्यारे आदरणीय राम रतन द्विवेदी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन तथा प्यारे बच्चों हेड जेई डिवीज़न। सर, क्या लेकर के आज बच्चों के लिए हम लोग? सर, हम लोग अर्ली एंथ्यूज बैच स्टार्ट कर रहे हैं 4th जून से। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, अर्ली एंथ्यूज बैच यानी 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट के लिए। 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट के लिए, तो मैंने फिर आपसे कहा था कि मंजिलें मिल ही जाएंगी चलिए तो सही, गुमराह तो वह हैं जो घर से निकले ही नहीं, इसका मतलब सोचना नहीं है, बहुत शानदार प्लानिंग आप लोगों के लिए। सर, क्या इसमें 11th का भी पढ़ाया जाएगा? सर, एक्चुअली में ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि मेरा 11th बर्बाद हो गया, यस, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि क्या होता था पहले, क्या होता था सर, मैं आपको बताऊं, 2-4 साल पहले जब ये NTA नहीं आया था तो ऐसा होता था कि मेजर पार्ट, जो IIT की बात अगर मैं करूं, IIT में मेजर पार्ट जो आता था वो 12th से आता था। मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि 25% 11th पार्ट से आता था और 75% 12th के पार्ट से। नीट में भी ऐसा ही है सर, नीट में भी ऐसा ही है, ज्यादातर पोर्शन 12th से ही पूछा जाता है। लेकिन सर समय बदल गया है जी, IIT में अब क्या हो गया है कि 50% 11th हो गया है, 50% 12th हो गया है। तो उन बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि मेरा क्या होगा, मेरा तो 11th खराब हो गया, तो मैं आज यही बताने हम लोग आए हैं कि हम लोग जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं 4th जून से बेटा, उसमें कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th पढ़ाया जाएगा। अगर आपका 11th खराब हो गया है तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसीलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। वैसे तो अप्रैल में स्टार्ट होता है, अगर अपन 12th स्टार्ट करते तो अप्रैल में स्टार्ट करते, लेकिन जो 4 जनवरी से स्टार्ट करने का जो सोचा गया है वो इसीलिए कि जिन बच्चों की 11th खराब है उनको भी रिजल्ट लाना है, तो हम लोग 4 जनवरी से कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। मतलब 14 से 15 महीने, 14 to 15 months आपको प्यारे बच्चों मिलेंगे प्रिपरेशन के, जिसमें आपको 12th तो करना ही है, साथ के साथ आपका पूरा 11th कराया जाएगा। सर ने कहा अर्ली एंथ्यूज बैच, अर्ली एंथ्यूज मतलब एक ऐसा बैच जो कि 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए है, और अर्ली मतलब स्टार्ट हो रहा है 4th जनवरी से। तो पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ, बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, लॉक कर दिया जाए, 4 जनवरी 2023 ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जेई तथा नीट दोनों के लिए होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होने वाला है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये वो है जो बच्चों को 1 साल में उनके टारगेट तक पहुंचाएगा, आम के आम गुठलियों के दाम। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि फीस 1 साल की और आपको फैसिलिटी मिलेगी प्यारे बच्चों 2 साल की। तो मैंने आपसे फिर कहा था कि मंजिलें मिल ही जाएंगी चलिए तो सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए अब ज्यादा सोचने में समय खराब ना करें, जल्दी से जल्दी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या जो मोशन के चैनल से बच्चे जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं मोशन एजुकेशन से हम कनेक्ट कीजिए, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी निकालिए और इसमें शामिल हो जाइए, और अपने 12th की प्रिपरेशन में जो 11th का आपका कुछ कमी रह गई थी या कुछ भी नहीं हुआ था तो उसके लिए बेफिक्र होकर के हमारे साथ चलिए। क्यों RRD सर? हाँ जी सर, और एक बात और है सर कि क्या हो रहा है कि जैसे अपन इस बैच में एडमिशन लेते हैं और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मैं ना मार्च में चलता हूँ तो अपन नेक्स्ट सेशन आ जाएगा, और बेटा हर सेशन में फी इंक्रीज होती है, फी इंक्रीज होती है, तो एक तो फीस बढ़ेगी, दूसरा एक बात और मैं सर बताऊं कि क्या है कि जैसे अपना कि अच्छा हाँ, ये इसमें ओल्ड सेशन की फीस लगेगी। यस यस, इसमें ओल्ड सेशन की फीस लगेगी। एक बेनिफिट और है सर, क्या है कि अभी हम लोगों को तो पता ही, 7 दिसंबर को हमने फाउंडेशन डे, 16th फाउंडेशन डे मोशन ने सेलिब्रेट किया, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है अगर आप दिसंबर मंथ में एडमिशन करा लेते हैं। तो जो हम लोग अपने बच्चों को बेनिफिट दे रहे हैं फाउंडेशन डे की वजह से, तो नए बच्चों को भी उसका फीस में बेनिफिट मिल सकता है। मिल सकता है, वो बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। तो उसके लिए आप कनेक्टेड रहिए, और मोशन है तो भरोसा है। बिल्कुल, मोशन है तो भरोसा है। तो प्यारे बच्चों आप बेफिक्र रहिए और तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए, अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान, और आइए जुड़िए इस कोर्स के माध्यम से मोशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद RRD सर। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा।